एक गांव में जशमंत अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी कविता और बेटा रिंकू है। जशमंत बहुत गरीब है। वो मेहनत मजदूरी करके ही अपने परिवार का पेट पालता है। सावन का महीना है, तेज बारिश पड़ रही है। जशमंत अपनी झोपड़ी में बैठा है। उसकी पत्नी कविता अंगीठी पर रोटी बना रही है। रिंकू भी वहीं बैठकर बारिश की बूंदों को अपने हाथ पर लेकर खुश हो रहा है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी वजह से काम भी बंद हो गया, घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह पापा, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी तो बांधने आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों नाक मुंह चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ दो समय का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता ही है ना, वो हमारे लिए इतना लाती है और हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते। हाँ तुम तो सही कहती हो, ना दाम है और ना घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई जुगाड़ करता हूँ, भूखे थोड़ी मरना है। हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। बहुत बारिश है, आप रहने दो, बीमार पड़ गए तो दवाई के पैसे भी घर में नहीं है। तुम मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सिर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने जशमंत को प्लास्टिक का एक थैला लाकर दे दिया। जशमंत ने उसे अपने सिर पर रखा और बारिश में ही बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों के समय पर उनसे जुड़ा हुआ सामान बेचता है। जशमंत भी लाला की दुकान के आगे जाकर रुक गया। नमस्कार लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा काम तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ा है आपका? रोना तो हम जैसों का है जिन्हें खुले आसमान में मजदूरी करके ही खाना पड़ता है। अरे भैया, मैं ही तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक को तो बारिश में ही आना होगा ना। हाँ बात तो सही है। अच्छा तुम एक काम करोगे? मैं काम की तलाश में ही घर से बाहर निकला हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है। तुम राखी ले जाओ और घर घर जाकर बेचाओ, इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने ये राखी का माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से लोग कमा रहे हैं। तुम घर जाकर अगर राखी बेच आओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं की तुमको दुआ भी लगेगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपया दूंगा। दो दिन काम करने पर 200 रुपए मिलेंगे, तो मैं पहले दो दिनों के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी दो दिनों के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मन जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखी दे दो और मैं ये बेच आऊंगा। राखी तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मैं क्या आपका माल लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं होती, बिजनेस बिजनेस होता है। और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले पैसे जमा करा दे और तेरे पैसे तेरी मजदूरी के साथ लौटा दूंगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पैसे जरूरी हैं। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। जशमंत वहाँ से घर के लिए निकला। बारिश के कारण रास्ते में कीचड़ हो गया है और जशमंत का वहाँ पर पैर फिसल गया। अब बहुत दर्द हो रहा है, कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है, लगता है पैर टूट जाएगा। जशमंत जैसे तैसे घर जाने के लिए उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन दर्द बहुत तेज था। लेकिन उससे तेज थी परिवार की भूख, जिसके कारण उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना दवाई के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जशमंत ने दर्द पर काबू किया और अपनी पत्नी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है। पैसे तो नहीं है, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी कि वो पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पायल है, आप ये ले जाओ और राखी लेकर बेच आओ, लेकिन अपना भी ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जशमंत ने कविता की पायल ली और लाला को जाकर दे दी। राखी अच्छे से बेचना, खो मत देना और ध्यान रहे कि बारिश में ना भीगे। सबको अच्छे से पैसे लेकर ही राखी देना, कभी मेरा व्यापार डूब ना जाए। ठीक है लाला जी, मैं सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। जशमंत लंगड़ाते हुए राखी लेकर चल दिया। दर्द से कराहते हुए वो एक कस्बे में राखी लेकर गया जहाँ लॉकडाउन लगा था।
राखी ले लो राखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। एक महिला खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ आ जाओ। जी बहन जी, आ रहा हूँ। बहन जी? बहन जी किसको बोला तूने? मतलब मैं तुझसे प्यार से क्या बोल गई? तू तो भैया ही बनने लगा। मैम साहब माफ करना। ठीक है ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखी है। सारी राखी टटोलने के बाद उसने दो राखी खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मचा रखी है, 50 रुपए भी कोई मांगता है क्या? मेम साहब लॉकडाउन के कारण महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मुझको मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है इसके जुर्म में अंदर करवा दूंगी, जुर्माना अलग से लगेगा। ये पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख। जशमंत ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आई। जशमंत डरा हुआ था, उसने भागने की कोशिश की लेकिन पैर में पहले से ही चोट होने के कारण वो वहीं गिर पड़ा। जशमंत ने देखा कि उसकी सभी राखी जमीन पर गिरकर गंदी हो गई हैं। वो भविष्य की चिंता में डूब गया। तभी पीछे से सरिता भी उसके परिवार के साथ उसे खोजते हुए अपनी कार से पहुंची। भैया ये समय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और बहनों को भाव की भूखी रहना चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे मिट्टी के समान है। पापा बुआ अच्छे कपड़े लाई है। हाँ, और अब हमको शहर भी लेकर जाएंगी, वहाँ हमको कोई काम मिल जाएगा, रिंकू भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भैया आप कितना भी छुपा लो, मुझे आपकी चोट के बारे में पता है, सबसे पहले हॉस्पिटल चलो। सरिता ने जशमंत का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर अच्छी नौकरी दिला दी। आज नवीन जो एक मैकेनिक था, अपनी बहन निशा को बाइक पर उसके कॉलेज छोड़ने गया। रास्ते में निशा के दोस्त निशा को घूरे जा रहे थे। निशा को ये देखकर एम्बैरेसमेंट हो रही थी। भैया बस बस यही छोड़ दीजिए। पर बेटा तेरा कॉलेज तो थोड़ा दूर है ना? हाँ पर आप मुझे यही छोड़ दो। पर क्यों? भैया मैंने कहा ना आप मुझे यही छोड़ दो, मैं घर लौटकर बताती हूँ। नवीन ने निशा को वहीं छोड़ दिया और वो अपने काम पर निकल गया। निशा जैसे ही थोड़ी आगे गई तो उसकी एक सहेली उससे मिली। वो जो तुम्हें छोड़ने आया था वो कौन था? कोई नहीं ऐसे। तेरा बॉयफ्रेंड है क्या वो? नहीं नहीं वो तो मेरे भैया हैं। तेरे भैया? वो तो एक मैकेनिक लग रहा था। मैकेनिक ही है वो, मेरे दूर के भैया हैं। वही मैं सोचूं, एक मैकेनिक की बहन इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती होगी। अब खैर ये सब छोड़, तो ये बता कि आज क्या स्पेशल है? अपने दोस्त की बात सुनकर निशा को अपनी आर्थिक परिस्थिति पर बहुत घिन आ रही थी। शाम होने पर जब निशा घर आई। आ गई बेटा? हाँ भैया आ गई, और कल से आप मुझे कॉलेज छोड़ने मत आना। पर क्यों? मेरे सारे दोस्त आपको देखकर सोचते हैं कि मैं मैकेनिक की बहन हूँ, इतने बड़े कॉलेज में कैसे पढ़ती हूँ। तो क्या हुआ, तुझे तो गर्व होना चाहिए। नहीं भैया, उन सबका सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतनी गरीब क्यों हूँ। आप बस मेरे कॉलेज मत आना, मैं नहीं चाहती कि आपके मैकेनिक होने पर मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाए। ठीक है। निशा फ्रेश होने के लिए अंदर चली गई और नवीन अपनी माँ की फोटो से बात करने लगा। देख रही हो माँ, आज आपकी लाडली को मेरे मैकेनिक होने से भी शिकायत है। अगर आप और बाबा होते तो आज मैं भी पढ़ा लिखा होता, और तब शायद निशा को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसी भी है, निशा मेरी छोटी बहन है और मैं अपना कर्तव्य जरूर पूरा करूंगा, उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी पोजीशन पर लाऊंगा। उस दिन के बाद नवीन कभी निशा के कॉलेज नहीं गया। समय बीता, निशा को अजय से प्यार हो गया। अजय एक बहुत ही पैसे वाले परिवार का लड़का था, उसके पास खुद की गाड़ी थी और बंगला भी था। आई लव यू अजय। आई लव यू निशा। शायद हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। नेकी और पूछ पूछ, बोलो कब अपने पापा को तुम्हारे घर लाऊं? तो तुम मेरे घर मत आओ, मैं ही अपने भैया को तुम्हारे घर भेजती हूँ।
जैसी तुम्हारी मर्जी। निशा घर आई और उसने अपने भैया से बात की। भैया, अजय और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन भैया, वो बहुत रईस है, उन्होंने अपने रिश्ते की बात करने बुलाया है, कहीं आपको देखकर उनका मन बदल गया तो। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, तू फिकर मत कर, मैं कुछ भी करके तेरा रिश्ता तय करके ही आऊंगा। भैया प्लीज, अच्छे कपड़े पहनकर जाना। तू खुद ही अपने पसंद के कपड़े निकाल दे, मैं वही पहनकर चला जाऊंगा। अगले दिन निशा ने अपने भैया को अच्छे कपड़े पहनाए और वो अजय के पापा कृष्णा जी से मिलने उनके बंगले पर गया। आइए आइए नवीन जी आइए। नवीन ने अंदर आते ही कृष्णा जी के पैर छू लिए। अरे मेरे पैर छूने की क्या जरूरत थी बेटा, आप बड़े हैं मुझसे और यही मेरे संस्कार हैं कि बड़ों का आदर करो। वाह, आपकी बहन बहुत ही गुणी होगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर आपको हमारे परिवार के बारे में और भी बातें जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक मैकेनिक हूँ और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मुझे आपके मैकेनिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे बेटे के लिए अच्छी पत्नी चाहिए, पैसा तो हमारे पास बहुत है। मैं बता नहीं सकता कि आपकी बात सुनकर मैं कितना खुश हूँ, तो मिठाई खाके मुंह मीठा कीजिए। जरूर। कृष्णा जी और नवीन ने मिठाई खाई और अजय और निशा का रिश्ता तय हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। आपकी उम्र लगभग 25-30 होगी। जी, और सुना है कि आपकी माँ निशा के जन्म के समय ही स्वर्ग सिधार गई थी। जी, उस वक्त मैं 10 बरस का रहा होऊंगा जब निशा का जन्म हुआ था, और मेरी माँ ने निशा को मेरे हाथ में दिया और मुझसे बोली, आज से ये तेरी जिम्मेदारी है, तू इसका भाई नहीं, माता पिता दोनों है। और बस तब से जो काम मिला वो करके मैं दोनों का पेट पाल रहा हूँ। पर मैंने निशा को किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। चाहे मैं जैसे भी रहूं, लेकिन निशा को मैंने सब कुछ अच्छा ही दिया है। ये सब सुनकर बेटा तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है मेरे मन में, बस अब जल्द से जल्द निशा और अजय की शादी करनी है। निशा और अजय की धूमधाम से शादी हुई। नवीन ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। शादी के 2 साल बाद निशा गर्भवती थी, पूरा परिवार खुश था। ये बात अपने भाई को भी बता दो। नहीं नहीं, उन्हें मत बताओ, वो यहाँ भागे चले आएंगे, और तुम्हें तो पता है ना, वो एक मैकेनिक है और हम इतने अमीर, अच्छा नहीं लगता। निशा की ये बात कृष्णा जी ने सुन ली। वाह बेटा वाह, खूब इज्जत दी है तुमने अपने भाई को। आज तुम इस अमीर खानदान की बहू बन गई हो, पर तुम्हें इस खानदान की बहू बनाने तक सब कुछ उस गरीब भाई ने किया है। तुम जब पैदा हुई थी उस वक्त उस 10 साल के भाई ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई, खुद वो अनपढ़ रहा पर उसने तुम्हें पढ़ाया, खुद बेचारा फटे हाल रहा पर तुम्हें अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। वाह, अच्छी सोच है तुम्हारी। I'm sorry. सॉरी मुझे नहीं, अपने भाई को बोलो, तुम्हारी खुशियों के लिए उसने अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। मुझे भैया के पास जाना है। अजय निशा को उसके भैया के पास ले गया। नवीन गाड़ी बना रहा था जब रोते हुए निशा उसके गले से लिपट गई। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है, बोल कुछ तो बोल। भैया, I'm sorry. मैंने आज तक आपका अपमान किया और आप हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देते आए हैं। शांत हो जा बेटा, ये भी कोई रोने वाली बात है, शांत हो जा। तू अगर इतनी सी बात पे रोएगी तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? निशा ने अपने आंसू पोछे। भैया, आप मामा बनने वाले हैं। क्या? नवीन ने निशा को गोद में उठा लिया। मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं मामा बनने वाला हूँ।
अरे भैया भैया। बेटा तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज निशा को अपने भैया पर बहुत प्यार आया, पर एक वक्त था जब निशा को अपने गरीब भाई से घिन आती थी। इस कहानी से एक बात जरूर समझ में आ गई कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है।